आज 17वीं लोकसभा सत्र का दूसरा दिन है। आज 20 संसद में सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। संसद का ये सत्र काफी खास है, क्योंकि ये मोदी और एनडीए का दूसरा कार्यकाल होगा। इस सत्र में 3 तलाक समेत कई अहम बिलों और 5 जुलाई को पेश होने जा रहे आम बजट पर सबकी निगाहें रहेंगी। इस सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार 3 तलाक, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, नागरिकता संशोधन जैसे अहम बिलों को पेश करेगी। इनमें 3 तलाक बिल पर पुराने स्टैंड पर अड़ी सरकार की कोशिश दूसरे कार्यकाल में इसे कानूनी जामा पहनाने की होगी। वहीं 17वीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला सत्र है। 40 दिन चलने वाले इस सत्र की शुरुआत सांसदों की शपथ के साथ हो गई है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद नए सांसदों के शपथ लेने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले पीएम मोदी ने सांसद सदस्य के तौर पर शपथ ली। इस दौरान सदन में मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे, जिसके बाद गांधीनगर से पहली बार चुने गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शपथ ली। नए सांसद की शपथ लेने का सिलसिला लगातार जारी है।